सरपंच परिवार की दबंगई। गांव सालाबास पंचायत के पंच राजवीर पर हमला करने वाले 6 बदमाशों पर मामला दर्ज। कसोल थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। पंच पर सरिया व रोड से किया था हमला। पंच राजवीर के दोनों हाथ और पैर को कई जगह से तोड़ा, अधमरा कर छोड़ा। कसोल चौक से घर लौट रहा था पंच राजवीर, रास्ते में रोक कर किया हमला। पंच राजवीर का आरोप अवैध कब्जे के प्रस्ताव पर करना चाहते थे हस्ताक्षर। सरपंच परिवार पर लगाया हमले का आरोप, पहले भी मिल चुकी थी धमकी। सीएम विंडो पर लगाई थी शिकायत। बीसीए निर्विरोध चुना गया था पंच। गांव में पंच का एकमात्र घर। सरपंच पति व ससुर के खिलाफ भी मामला दर्ज। राजवीर नाम, राजवीर आप पंचो? पंचो गाँव सालाबास से। क्या बात हुई आपके साथ, किस तरह मारपीट हुई, किसने की? ये सरपंच ने मारपीट कराई, एक अवैध कब्जे करना चाहता था, मैंने साइन नहीं किया उस पे, इसने कराई है। पहले भी धमकी दी थी इसने मेरे को। फिर तो उसका साले का लड़का और एक उसके भाई, चाचा भाई का लड़का, इन दोनों ये है और 5-4 बाहर के थे। अच्छा, उन्होंने मेरी पिटाई की। फिर रोड और उससे और रिवॉल्वर दिखा के रोड से मेरे हाथ पैर और ये तोड़ दिए। आप बाइक पे घर जा रहे थे? मैं बाइक पे घर जा रहा था, आगे उन्होंने गाड़ी लगाई। हाँ। गाड़ी लगा के उन्होंने रिवॉल्वर दिखाई और फिर मेरे पीछा किया, फिर आगे से एक गाड़ी और आ गई उनकी। हाँ। फिर उन्होंने मेरे को रिवॉल्वर दिखाकर मेरे रोड से, लोहे की रोड से मेरे हाथ पैर डैमेज कर दिए पूरे। फिर पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना, मेरा फोन तोड़ दिया उन्होंने पहले। अच्छा। और मैं पुलिस को सूचना, फोन था नहीं मेरे पास, मैंने दिया नहीं, पर किसी ने बताया तो गांव से कृष्ण सरपंच और विनोद सर, विनोद ये मेरे को गाड़ी में डाल के ले गए, मैं बेहोश था। वो तो मेरे को मार के चले गए, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था। कितनी फ्रैक्चर है दोनों पैरों में? एक ये तो पूरा पैर डैमेज है। अच्छा। एक पैर में 3 है और एक में 2 फ्रैक्चर। ये सरपंच ने कराया? सरपंच ने कराया है गांव पूरा जो बात है। हाँ। किस पे कब्जा करना चाह रहा था सरपंच? जोड़ की जमीन पे, जो महेश और रजनीश है। हाँ। उनके मामा का लड़का है तो वो जोड़ की जमीन पे कब्जा कराना चाहते हैं। अच्छा। अवैध कब्जाधारी है वो। हाँ। उसको पक्का करने के लिए मेरे से साइन कराना चाहते थे। अच्छा। मैंने मना कर दिया, मना करने पर उन्होंने मेरे साथ ये किया। पुलिस को सूचना दे दी और बयान दे दिए, MRL भी कटवा दिए। मेरे काम में अकेला घर है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो उन्होंने मेरे को गरीब को देख के मेरे ऊपर हावी हुए, जबकि 3 पंच और हैं, उनको इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो भी साइन नहीं कर रहे थे? वो भी साइन नहीं कर रहे। खाती हूँ मैं, जात से खाती हूँ, BCA मेरी सीट है। रिजर्व सीट आई थी, कोई कैंडिडेट नहीं था, तो मैं वहाँ निर्विरोध बन गया। हाँ, निर्विरोध बन गया था। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे वार्ड से, तो हम गलत काम करेंगे तो गलत ही भी करेगा, सही करेगा तो सही भी करेगा। तो मैंने मना कर दिया कि गलत मैं नहीं कर सकता, सही काम है उसको मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू बड़ी भारी उसमें वो उठाना पड़ेगा तेरे को बहुत। हाँ। तो मैं बोल जी, मैं चाहे मेरे को जान से मार दो, गलत काम मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। अब क्या मांग करते हो? अब मैं मांग करता हूँ मेरे को न्याय मिले, मेरे जैसा मेरा हाल हुआ, कभी किसी गरीब आदमी का और ना हो, मेरे बच्चों का, उनको खतरा है उसी से। मैं यहाँ हूँ, मेरे बच्चे के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, जान लेगा हमला मेरे ऊपर किया है, कल मेरे बच्चों पर भी कर सकते हैं। सरपंच की टर्मिनेशन की चल रही है, वो डीसी साहब, वो पहले से अवैध कब्जेदारी है, ऐसे दुष्ट सरपंच को तो मैं तो यही मांग है कि ऐसे सरपंच को बर्खास्त किया जाए। गांव में 1 से इसने पूरा गांव में विद्रोह कर रखा है, तो ये मांग है मेरी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।